अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आर मुगल फ्रॉम टाइटेनियम एजेंसी एंड होम्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। टाइटेनियम एजेंसी एंड होम्स एक मेगा प्लेटफॉर्म है जो आलमोस्ट सभी लीगल और अप्रूव्ड सोसाइटीज को डील करता है, और उन्हीं में से एक प्रोजेक्ट जिसका आप वाकिफ हैं और मार्केट में काफ़ी हाइप क्रिएट है, अर्बन सिटी लाहौर। सो अर्बन सिटी लाहौर पे बात करने से पहले इसका थोड़ा सा मैं जो क्रेडिबिलिटी है, हिस्ट्री है, उसकी बात करता चलूँ। एक जॉइंट वेंचर है, जो नए वीडियो देखने वाले हैं उनके लिए मैं सब चीज़ों को डिस्कस करना चाहूँगा। एक जॉइंट वेंचर है अल हफीज़ और रहमान गार्डन का, और दोनों की अगर क्रेडिबिलिटी को और हिस्ट्री को देखा जाए, 5-5, 6-6 फेज़ डिलीवर कर चुके हैं। और रियल स्टेट की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा प्रोजेक्ट था जिसने प्री लॉन्च पे ही अच्छा खासा बिजनेस किया एंड यूज़र्स को इकोनॉमिकल रेट पे अपना जो प्लॉट कैटेगरी थी प्रोवाइड किया, और विद अप्रूवल मार्केट में अपनी सोसाइटी को लॉन्च किया। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं स्टिल 2-2 साल भी उनके अप्रूवल का जो इश्यूज है वो क्लियर नहीं हो गए। विद इन 1 ईयर इन्होंने अपने 2 ब्लॉक्स लॉन्च किए और सोल्ड आउट किए। ब्लॉक जो पहला इन्होंने लॉन्च किया सिटी ऑसिस, उसकी बुकिंग क्लोज कर दी गई है, और 2-3 माह पहले जो ब्लॉक इन्होंने लॉन्च किया सिटी वेंचर, उसकी बुकिंग चल रही है। सो लोकेशन की अगर मैं बात करूँ, लोकेशन एक मेन कंसर्न है हर एक एंड यूज़र का, इन्वेस्टर का, कोई वो सैलरी पर्सन हो या कारोबारी हजरात हो। लोकेशन आपके लिविंग कॉस्ट को कम करता है, लोकेशन ही एक मेजर फैक्ट है इन्वेस्टर के लिए। सो लोकेशन इसकी बहुत ही प्राइम है। एक्चुअल जो इसकी लोकेशन बनती है पांगा रेस्टोरेंट के ऑपोजिट मेन GT रोड इंटरचेंज, जैसे ही आप क्रॉस करते हैं हार्डली 2 मिनट की ड्राइव है, इनफैक्ट एग्जैक्टली 2 मिनट की ड्राइव है, और पांगा रेस्टोरेंट एक फूड चेन आता है आपके GT रोड पर। KFC, मैकडोनल्ड और पांगा रेस्टोरेंट उसके एज इट इज़ ऑपोजिट, इसका मेन गेट अंडर कंस्ट्रक्शन है, और जो फ्रंट होगा सोसाइटी का 2200 स्क्वायर फुट का। 2200 स्क्वायर फुट मीन्स एक ह्यूज प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट है। आने वाला टाइम जो इनफैक्ट जो मौजूदा टाइम है, कलशका को इंटरचेंज एक सोसाइटीज़ का हब बन चुका है, और आगे जो इनका प्रोजेक्ट है मेट्रो, उसको एक्सटेंड कर रहे हैं मरीद के चौंक तक। तो आने वाला जो टाइम है प्रॉफिट के लिए, लिविंग के लिए बहुत बेहतर साबित होगा। सराउंडिंग प्लेसेस में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस है, UET है, थीम पार्क है, जुडिशल अकेडमी। तो आने वाला जो इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा मौका होगा, उनका रेंटल इनकम, पैसिव इनकम में वो अपनी इन्वेस्टमेंट को जनरेट कर सकते हैं एज अ अपार्टमेंट या रेंटल हाउस की सूरत में। डिवेलपर्स की हिस्ट्री और क्रेडिबिलिटी को देखते हुए सिटी ऑसिस की कामयाबी के बाद इन्होंने सिटी वेंचर को लॉन्च किया, और स्टिल अगर बात की जाए लाहौर में टॉप जो बिजनेस कर रही हैं सोसाइटीज, उसमें अर्बन सिटी है, क्योंकि जो प्राइस पैकेट है बहुत इकोनॉमिकल है, और प्री लॉन्च स्टेज पे हर एक एंड यूज़र और इन्वेस्टर की ख्वाहिश होती है, क्योंकि जब प्री लॉन्च पे आप इन्वेस्ट करेंगे आपका शुरू के नंबर्स और ब्लॉक्स में प्लॉट बैलेट किया जाएगा। शुरू में फाइल की प्राइस सेम रहती है, लेकिन जब आपका प्लॉट बैलेट होता है और नंबर आपके जो प्लॉट है उसकी वर्थ बनाता है, सो ये राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट के लिए प्री लॉन्च प्राइस पे। आने करीब इसकी प्राइस चेंज हो जाएंगी। और बात करें इसकी अगर जो कैटेगरी है, प्लॉट कैटेगरी है जिसमें 3 मरला है, 5 मरला है और 10 मरला की कटिंग है, 1 नाल को रिजर्व रखा गया है, आने वाले वक्त में उसे भी लॉन्च कर दिया जाएगा। 3 मरला की जो टोटल प्राइस है 11,25,000 है। बुकिंग आप 2,25,000 से करवा सकते हैं, और मंथली इंस्टॉलमेंट 8,500। एक सैलरीड पर्सन के लिए बहुत इकोनॉमिकल प्राइस प्लान है, बजट है, वो अपने प्लॉट का मालिक बन सकता है इसमें इन्वेस्टमेंट करके। तो बस एक अच्छा मौका है प्री लॉन्च प्राइस में इन्वेस्टमेंट करने का, और प्री लॉन्च जो प्राइस है वो हमेशा प्रॉफिटेबल साबित होती है। और किसी भी किस्म के कंसर्न के लिए, सवाल के लिए, जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं अप्रूवल के हवाले से, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर उनसे रابطہ कर सकते हैं, और सेम एज इट इज़ हमारे ओवरसीज क्लाइंट ईमो और व्हाट्सएप के ज़रिए उनसे रابطہ कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।